तो दोस्तों पता क्या है, आज मैं पता फोन अपना देख रहा था तो मुझे एक फोटो दिखी, ये वाली। तो ये फोटो मैंने पता फिर मैंने कहा चलो इसे एडिट करते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, फोटो पता बर्बाद नहीं करेंगे, तो ऐसे एडिट करेंगे जो आप लोग को समझ में आए कि हाँ इसमें कुछ है। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ कि पूरा पूरा पोछा नहीं लगाना है, तो थोड़ी सी अच्छी करेंगे और डिटेल पूरी रहेगी फोटो में। तो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है पिकोर और आप देख रहे हैं न्यू वीडियो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी है। और अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ओके लेट्स गो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन में और इसके बाद चलते हैं फ़ोटो ओपन किया और अब चलते हैं लाइट रूम पे। लाइट रूम पे शेयर कर दें। ओके प्रोसेस देखिए आप लोग और देखते रहिए। ये हो गई लाइट रूम ओपन, लाइट रूम ओपन हो गया। अब इसके बाद अब इसे थोड़ा सा क्रॉप करते हैं कि ऊपर थोड़ा सा एरिया ज़्यादा लग रहा था, मतलब और सा लग रहा था, मतलब मैनेज करना होता बराबर की चारों तरफ देखना होता ऊपर नीचे कि कहाँ बराबर है, तो वहीं से इसी हिसाब से क्रॉप करना होता है। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं तो आप लोग मैनेज कर लेना। ओके आप इसके बाद लाइट पे चलते हैं, लाइट के लाइट ऑटो हो गई। अब इसके बाद चलते हैं कलर ग्रेडिंग चलते हैं, हम यहाँ पर ध्यान देना ठीक है आप लोग। और इसके बाद यहाँ पे कलर थोड़ा थोड़ा सही करेंगे। ये देखो जैकेट का जैसे डाउन किया तो बेकार हो गया, अब इसे जैकेट पता है रख के नीचे कुछ स्लाइड करना होता है और अगर ऊपर करेंगे तो वो हो जाता है। अब देखो आप लोग देखते रहिए प्रोसेस। अब पता है इसका मतलब ये होता है कलर ग्रेडिंग, ये जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद अगर नीचे स्लाइड करेंगे तो उसका देखो ये हुए दिया है इस साइड और इस साइड ये सेचुरेशन और ये है लुमिनियंस। तो इसको ऊपर नीचे करने से बस मैनेज करते रहो धीरे धीरे, आप लोगों को खुद ही पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बेकार है। तो देखो अब इसके बाद पता थोड़ी सी स्किन की भी लुमिनियंस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि पता इसमें थोड़ी थोड़ी डल सी लग रही है। देखो पैंट का कलर थोड़ा सा डल लग रहा था वो भी देखो सही हो गया। अब स्किन पे जाके ये देखो स्किन पे क्लिक किया, अब स्किन थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये देखो 24 हो गया, ये देखो दिख रहा ऊपर, अब सही लग रहा। ठीक है अब इसे चलते हैं और सेव कर लेते चल के। ठीक है अब इसके बाद थोड़ा सा जैकेट का कलर वो सही कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी अजीब सी लग रही है कलर, और इसका कलर देखो सही हो जाए क्योंकि इसमें जैकेट और पता होटो का कलर एकदम सेम लग रहा है, तो वो पता होट का कलर भी चेंज होगा। ठीक है तो देखते रहिए आप लोग बस। अब इसके बाद अब देखो अभी नहीं सही लग रही है, देखते हैं। तो अब इसके बाद इसे सेव करते हैं, फिर चलते हैं इफेक्ट पे। इफेक्ट पे क्लिक किया और थोड़ा थोड़ा सा मैनेज करना है। देखिए देखो टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ाना क्योंकि बस 4 पे हो गया टेक्सचर, थोड़ी सी क्लियरिटी और थोड़ा सा डीएच करनी है पिक्स विद देन थोड़ा सा विग्नेट। ओके तो इसमें आ जाएगा लुक। विग्नेट हो गया, डीएस थोड़ा सा माइनस, सही है। ये देख लीजिए सेटिंग जो भी दिख रही है आप लोगों को, ये देख सकते हैं 4-3-6। ओके चलो ठीक है अब इसके बाद सेव करते हैं। ओके तो दोस्तों आप लोग वीडियो देख चुके हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बता दें कि वीडियो कैसी है। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे अभी फॉलो नहीं किया तो ये अकाउंट है, जाओ और अभी फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी फोटो अपलोड करी है। और अगर उनका कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ओके बाय।